हेलो गाइस, तो टेक्निकल लवर्स क्या हाल चले दोस्तों। हम लोग आज देखने वाले, यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप पर आप लोग किसी को फोटोस वीडियोस भेजते हो, अगर आप लोग वो सामने वाला बोलता है कि यार डॉक्यूमेंट फाइल में भेज, मतलब दोस्तों इसका मतलब ये होता है डॉक्यूमेंट फाइल में काफ़ी अच्छी जो क्लैरिटी होती है, मतलब जो आपने मोबाइल पे इमेज यहाँ पर कैप्चर की है या फिर वीडियो शूट की है, अगर वो भेजना चाहते हो तो डॉक्यूमेंट फाइल में आप लोग भेजना, क्योंकि इससे क्या होता है जो क्लैरिटी आपके मोबाइल की होती है वही क्लैरिटी सामने वाले को चली जाती है, इसलिए डॉक्यूमेंट फाइल से ज़्यादातर फाइल भेजा जाता है। तो सिंपल दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट फाइल व्हाट्सएप पर हम लोग किसी को कैसे सेंड करते हैं, चलिए देखते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन किया हूँ मैंने। ओपन करने के बाद आप लोगों को जिसे भी चाहे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जिसे चाहे उसे आप लोग डॉक्यूमेंट फाइल भेज सकते हो। तो फर्स्ट वाला मुझे ये नंबर पर डॉक्यूमेंट फाइल भेजना है, चलिए इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ से देखिए एक ऑप्शन यहाँ पर आता है जो कि यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं। ये ऑप्शन के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक जैसे ही करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है। अभी दोस्तों यहाँ पर देखिए गैलरी का भी ऑप्शन है, एक डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन है, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे, ये हमारे सारे यहाँ पर फोटोज़ वीडियो ये आते हैं यहाँ पर। ये अगर आपको दिखाई नहीं देंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो थ्री लाइन है इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। क्लिक जैसे ही करेंगे दोस्तों, सारे फोटोज आपको दिखाई देंगे, वीडियोस दिखाई देंगे। अभी देखिए, अगर आपको इमेज भेजना है तो ये सारे इमेज है, फर्स्ट वाले ऑप्शन आता है, देखिए ऊपर इमेज लिखा हुआ है, इमेज के ऊपर सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये इमेज है सारे। अगर आपको वीडियो भेजना है तो क्या करेंगे, इमेज का यहाँ पर हटा देंगे और ओनली आपको वीडियो यहाँ पर दिखाना है, मतलब आपको भेजना है तो वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे वीडियो पे क्लिक करेंगे, ये सारे वीडियो है दोस्तों, आप लोग यहाँ से वीडियो भेज सकते हो। अभी मैं दोस्तों यहाँ पर वीडियो नहीं भेजने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ी बड़ी यहाँ पर मेरे पास जो वीडियो पड़ी हुई है काफ़ी लंबी है, इसलिए मैं इमेज भेज रहा हूँ। उसी तरीके से आपको यहाँ पर ऑडियो और यहाँ पर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, ऑलरेडी हम लोग डॉक्यूमेंट के अंदर है, तो सिंपल यहाँ से अभी मुझे इमेज भेजना है तो मैं इसे हटा देता हूँ और इमेज के ऊपर सिलेक्ट करता हूँ। ये सारे इमेज यहाँ पर आ गए। अभी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इमेज किस तरह से भेजा जाए, मतलब हमें यहाँ पर चार पांच इमेज डायरेक्ट भेजना है तो क्या करना है। देखिए पहले इमेज को क्लिक करना है, सिंपल एक इमेज यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है, दूसरे वाले को क्लिक करेंगे, दूसरा हो चुका है, तीसरा हो चुका है, चौथा हो चुका है, चार मैं इमेज यहाँ पर भेजना चाहता हूँ। और ऊपर आप लोग ऑप्शन देख रहे हैं सिलेक्ट का, यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्ट के ऊपर ही आपको क्लिक करना है, तो क्या करेंगे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, सेंड फोर डॉक्यूमेंट टू अशफाक, मतलब जो मेरे कॉन्टेक्ट में सेव है नेम उसका नाम आया है उसे भेज रहा हूँ मैं। और सिंपल यहाँ से हम लोग सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए चार डॉक्यूमेंट यहाँ पर चला गया है इमेज फाइल की, और आप लोग देख रहे हैं कि अच्छी तरीके से गया है और वही प्रिंट यहाँ पर जाने वाला है जो आपने मोबाइल से कैप्चर किया है। वहाँ पर जाने के बाद वो डाउनलोड करेगा, वहाँ पर थोड़ा MB थोड़ा ज़्यादा बताएगा उसको सामने वाले को, तो वो डाउनलोड कर लेगा, लेकिन क्लैरिटी यही मिलने वाली है जो आपने मोबाइल से खींची हुई है। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो बता देना कमेंट में, पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।